इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र पे मामूली बात पर हुए विवाद में दो पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के 3 इमली चौराहे पर बड़ा बस स्टैंड है, जहां पर कई ट्रेवलर्स एजेंसी संचालित होती है। बस में सवारी बैठाने के नाम पर ट्रेवलर संचालक में मामूली विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ट्रेवलर संचालक मिलकर एक युवक अज्जू यादव पर प्राणघात हमला कर दिया, जिसे बुरी तरह से घायल हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई भी हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत करवाया और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आरोपी पक्ष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 3 इमली पर ट्रेवल्स हैं बहुत सारी, जिसमें एक यस श्रीनाथ ट्रेवल्स है, जिसके मालिक अज्जू यादव हैं, अजय यादव, और एक है विक्रांत ट्रेवल्स, जिसमें अनीस करके नाम है, अनीस मामू मामू बोलते हैं ये है, और एक बालाजी ट्रेवल्स है, गणेश चौहान। तो आज कोई सवारी को लेकर विवाद हुआ, तो अजय इनसे बात करें समझाने आया, तो ये गणेश चौहान अनीस वगैरह ने 3-4 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। उसको 3-4 चाकू लगे हैं कमर पेट वगैरह में। इनके विरुद्ध में, अनीस गणेश चौहान के विरुद्ध में, धारा 307 का मामला पंजीबद्ध किया गया है, और देख रहे हैं अभी इनकी तलाश जारी है, और देखेंगे अब इसमें इनके क्या रिकॉर्ड आगे हैं, तो वैसी कार्रवाई इनकी की जाएगी। इनको एक तो सभी की लिस्टिंग करके अब इनको बाउंड ओवर ही कराएंगे, इनकी एक बैठक भी रखेंगे कि आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर ना लड़े, क्योंकि रिपोर्ट आती नहीं, वहाँ उनकी वहीं होती, वहीं ख़त्म हो जाती है। कई बार बीच में मालूम पड़ा ऑटो वाले का हो गया, मैजिक वाले का हो गया, इनका बस वाले का हो गया। तो अब इनका एक सबकी लिस्टिंग करके, जिनके रिकॉर्ड है उनका रिकॉर्ड देखेंगे, इनको बाउंड ओवर ही कराएंगे कि आपस में कोई अगर लड़ेंगे तो इनको फिर बाउंड इनसे भरवाएंगे, और इनकी मीटिंग भी लेंगे और समझाएंगे भी इनको कि आपस में एक दूसरे का नुकसान ना करें।